दोस्तों, ये हमारी महादेव गौशाला है मंगलपुरा की। यहाँ पे अभी सुबह सुबह का जल्दी का समय है। गायें सारी एकदम से आराम से, देखिए कोई जुगाली कर रही है तो कई गायें हैं जो आराम से बैठी है, कुछ घूम रही है। अभी इन्हें फार्म पर भी ले जाया जाएगा घुमाने के लिए। अब हमारे पास गौशाला इंचार्ज जी का फ़ोन आया था कि एक कोई गाय है वो बीमार है। तो यहाँ पे देखिए जो कर्मचारी रह रहे हैं उनकी व्यवस्था है। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो गाड़ी आई हुई है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर माहौल है। ये इतना खुला स्पेस रखा गया है और उधर जो स्पेस है वो गायों के लिए रखा गया है और अंदर जो चारे के लिए बनाया गया है पूरा एक बड़ा हॉल चारों तरफ उसके, जो आप देख ही पा रहे हैं। और यहाँ कौन सी गौ माता बीमार है देख लेते हैं। अरे क्या हुआ भाई? क्या हुआ इसको? जैसे राणा जी, क्या हुआ, क्या इसको? इसको डॉक्टर साहब, आप देखो पानी पटक रही है थोड़ी दूर चरे हर नागौर आयोड़ी अपनी गौशाला की है। गाय के बदला में गाय पची आयोड़ी है। अच्छा, ये बात है। और यहाँ से देखो सुचरिंग भी की हुई है। ये क्या आजकल में सोच नहीं है लार? ये यहाँ पे टांका लगाया हुआ था, इसको प्रोलप्स की शिकायत है, फूल पाछा दिखाती है ये, इसीलिए उन्होंने टांका लगाया। वो भी अभी देखो ये उसी वजह से इतनी सूजन आ रखी है यहाँ पर। कोई बात आजकल में नहीं। आई नहीं मार के 2 महीने के डॉक्टर साहब, अच्छा, 2 महीने के आजकल और में थोड़े नहीं है। ये ऐसा गिरा रही है मुंह से है? हाँ, वो आज सुबह कह दियो है पानी। अच्छा, तो तकलीफ आपके कहने का मतलब आज ही हुई है ना? आज हुई सुबह और हुई, ये पीछे वाली सूजन तो पहले से ही है ना? काल की हुई है, पहली हुई नहीं, अच्छा, ये भी कल से ही काल की। है। हाँ काल की हुई है सोदन। अच्छा, ये सूजन भी कल से है। काका नंबर और मार के ना ये, आज को बचे मैं क्यों तू नहीं मैं फोन करी मैं कितने फोन करो मारे नहीं, बंदा उनका चावल नहीं कॉल लिया आया था करी मेरे पास कि कोई तकलीफ में है। मैं कहा चलो तुरंत चलते हैं। मारे क्या बस टीम दूसरी आज वार टावर है आज वार रेवे को नहीं मैं नंबर लिख के गया था ना, यहाँ नहीं था आपको कार्ड तो दियो ना मैंने दिया हुआ है ना। हाँ, पर मारे फोन में टावर कौन रहा तो बराबर ये बात नहीं कब रही। कब से गिरा रही है? कल से ही गिरा रही है ऐसा है ना? कल से ही सूजन आई है ज्यादा और कल से ही ऐसा गिरा रही है। हाँ इसको है ना बांधो, थोड़ा सा नजदीक करो इसको, थोड़ा सा नजदीक कर लो। बिल्कुल छानी है मार वाली को नहीं। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल कोई छानी दिक्कत गाय नहीं है। है, कोई परेशानी नहीं है। नजदीक कर लो। चुनाल मैन से थोड़ा तो मंदिर में किया कोई चक्की बता बन चक्की हाँ हाँ में कोई मिलते गए तो क्यों कोई कड़ा जी मन खेर गए क्यों ते जन कोई भाई परेशानी आवेले नहीं। बोल उन्होंने सर। कहा था कि मैं वहाँ पे हूँ, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। गोबर तो सही कर रही है, मेंगने मेंगने कर रही है। देखना एसिडोसिस है क्या मोरी भाई, हिला के देखो, एसिडोसिस हो सकता है। थोड़ा सा ऊपर से, थोड़ा सा ऊपर से पकड़ो, थोड़ा हाँ थोड़ा और ऊपर से लो, बस यहाँ से लाओ। नहीं है, उधर से देखना, एल्कलोसिस एसिडोसिस बिल्कुल भी नहीं है। एक उसमें से है ना पीएच स्ट्रिप लेके आ जाओ और ये जो कचरा पड़ा है ना इसको एक बार देख लो, कहीं से गीला है क्या? ये देख लेके आ जाना, देख लो पीएच कितने। जुगाली वगैरह कर रही है, थोड़ा बहुत खा रही है क्या? हाँ खा रही है ना, थोड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा सो खावे थोड़ा खा रही है। तो आपने कोई अटपटी चीज खिलाई क्या इसको? नहीं अटपटा नहीं तो कुछ बोल भी नहीं रहे। खिलाया है ना। हाँ कहीं नहीं बोले बाकी की बार सुबह का कोई पे तो गाँव में लुगे रोटी जरूर हली। एक दो रोटी से तो कुछ नहीं होता। देखो गांव में से अगर कोई रोटी भी लेके आता है ना, थोड़ी थोड़ी सबको थोड़ी थोड़ी खिलाया करो। ऐसा नहीं कोई एक के, मान हाँ लीजिए अगर एक किसी ने को आते ज्यादा खा थोड़े ली तो प्रॉब्लम हो सकती है। किलो आधे किलो गुड़ जावे ना तो पूरी नहीं एक एक ही देगी। हाँ, सबको थोड़ा थोड़ा मैं खिलाया तो कुछ करो। सब नहीं मैंने आवे और लेकिन किलो कभी लोग भी नहीं जैसे देखो आप नहीं भी एक है एक ही खड़े ना एक एक पर भाई, कुछ सब ने खोज दियो अमाउस वगैरह देखने नहीं को डालने। कुछ अगर आप बनाते हो ना तो उस समय भी ध्यान रखना हाँ है मिस ना। मैं बनाऊ नहीं लाची हाँ उत्तर डाल और गायन एक बार टाल और हाँ पूरी कुत्र में मिला एक श्री की मिला पत गायन छोड़ वैसे दियो दिया करो, या फिर सिस्टम रखो ना सीधा लाची चारे एकदम वाला ही। ज्यादा खा ले तो मन था तकलीफ तो हाँ वही बिल्कुल, तकलीफ हो जाती है अक्सर गौशालाओं में, ये समस्याएं होती है भाई। मैंने 3-4 साल है कि मन ध्यान है भाई कोई खाए ज्यादा खा जाए उधर कुछ तकलीफ हो जाए बिल्कुल, गुरुदेव। तो वो भी ध्यान रखना। इन गायों को यहाँ कैसे बांध रखा है, ये तो सही है ना दोनों? चलो कोई बात।
जल्दी से मंगाओ यार, जल्दी मंगाओ। एक डॉक्टर साहब छोटो सो बचरी है यार, एक मुंडा का ही तकलीफ है। देखो कौन सी है, मन तो कहीं मालूम नहीं पड़े, आप दादन धंधा करो तो देखो। हाँ ये पुनसिया पुनसिया जी हो रखी है ना। हाँ आई की माँ ने छूंगा कर माँ का बुबंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये इन्फेक्शन ही है, ये फंगल इन्फेक्शन है। इसके लिए मैं आपको एक ट्यूब दूंगा, वो ऑइंटमेंट लगाओ इसको, है ना, ये भी ठीक हो जाएगी। लाल दवा से धोके लगाओ। आएगी माँ को बुबू चुको जी, माँ के होगी पहले एक ही, माँ का वड़ा बुबू होगी। फिर मैं क्यों कहीं तकलीफ है, माँ आओगी। इसी वजह से हुई है, इसी वजह से हुई है, या तो माँ की इसके हो गई या इसकी माँ के हो गई। निकाल लो इसमें, अब इसको यहाँ पे दबा लो, देखिए आप निकालिए, दबा लो कहीं पे भी, गीला है ना। थोड़ा बहुत खा रही है, थोड़ी बहुत जुगाली कर रही है। ये एसिडोसिस की तरफ ही जा रहा है। मारे गए डॉक्टर से मिलान करो। ये 40 साल ही गायब रहता है, कोई गाय बीमार है तो मेरे खानों पर नहीं पड़े वो मत आओ। पाँच है ना, थोड़ा सा पानी लेके आओ। पानी गर्म लियोगे? नहीं नहीं ठंडा ही हो चलेगा। अब ये पाँच पे आई है, लेकिन एक बार के लिए है ना, यहाँ पर आप थोड़ा पानी डाल करके और कर देख लो, इसी को भिगो लो तो उससे एग्जैक्ट आ जाएगा। उस पर पानी डाल दो, उसके ऊपर एक बार पानी डाल करके भिगो लो। नहीं इसको, अरे ये ऐसे उठाओ मत, उठाओ मत। है क्या पानी? हाँ है ना यार। हाँ फिर पानी से हो जाएगा। इंजेक्शन लगा दे। एसिडोसिस ही है ना, एसिडोसिस। इसको एक तो है ना, आपको मीठा सोडा देना है, मीठा सोडा मंगवाओ, और जो भी मैं गोलियां पाउडर वगैरह दे रहा हूँ ना, दो तीन दिन मेहनत करो और ये दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पेट में एसिडिटी की शिकायत हुई है, जिसे हम एसिडोसिस बोलते हैं, तो ये एकदम से ठीक हो जाएगी, लेकिन मेहनत आपको दो तीन दिन में जो दे रहा हूँ दवाइयाँ वो देनी पड़ेगी। हाँ जी ठीक है, ठीक। तैयार बिल्कुल तैयार, एकदम से तैयार हो जाएगी, आप डरे ही नहीं, बिल्कुल तैयार हो जाएगी।